सारे जो आइटम्स है वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स है, यानी कि ये सारी वस्तुएं आप नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे थियो ब्रोमा का काउंटर है, पेस्ट्रीज देख सकते हैं आप, कपकेक्स, हेजलनट चॉकलेट कपकेक, ये रेड वेलवेट। तो हमारी इंडिगो की फ्लाइट है और ये है इंडिगो का एंट्रेंस। सो आपको मैं एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा एक व्यू दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको ये ट्रॉली मिल जाएगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सो आपके जो भी लगेज, जो भी सामान है, आप इस ट्रॉली में भर के एयरपोर्ट में अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको आपके एयरप्लेन के टाइमिंग्स सब दिख जाएंगे। तो ये इंडिगो के चेक इन काउंटर्स है और यहाँ पे हम लगेज चेक इन करेंगे। तो आप देख सकते हो कि एयरपोर्ट पे कितने अच्छे से ये क्रिसमस ट्री सजाई हुई है। यहाँ पे सब पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे जो आइटम्स है वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स है, यानी कि ये सारी वस्तुएं आप नहीं लेके जा सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ, ये रस्सी, बॉल, नारियल का तेल, कोकोनट, ये टैल्कम पाउडर और ये माचिस, बैटरीज वगैरह। यहाँ पे कैची है, ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉस, यानी कि ये सब चीजें आप नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो नेल कटर, यहाँ पे इंडसइंड बैंक का एटीएम भी है और एक मनी एक्सचेंज काउंटर है। ये सिक्योरिटी चेक इन है, यहाँ पे कैमरास अलाउड नहीं है।
तो मुझे अभी कैमरा बंद करना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हो तो ये इमिग्रेशन काउंटर है। मेरे पेरेंट्स वेव कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन देख सकते हो आप। यहाँ पे गाइस ये लाइव फिशेस हैं और ये ब्यूटीफुल सा गार्डन बना रखा है यहाँ पे। तो कुछ ये ऐसा लेडीज वॉशरूम है। ये टॉयलेट सीट सैनिटाइजर है। यूज टिश्यू टू डिस्पेंस फोम फ्रॉम द डिस्पेंसर एंड वाइप द कमोड टू सैनिटाइज। तो आप यहाँ से टिश्यू ले सकते हो। तो यहाँ से आप टिश्यू लेके टॉयलेट सीट को सैनिटाइज कर सकते हो। सो आप ये टॉयलेट सीट क्लीन कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे अगर आप प्रेस करोगे तो ये फोम आप देख सकते हो और इसे आप ये टॉयलेट सीट ऐसे क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैंड ड्रायर है। यहाँ पे कुछ डेकोरेशंस कर रखे हैं, सीजन्स ग्रीटिंग्स। यहाँ पे सब फोटोज ले रहे हैं। यहाँ पानी पीने के लिए टैप्स लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको ये प्रेस करना पड़ेगा और ये पानी आ जाता है। तो हमारी फ्लाइट मुंबई से तिरुचिरापल्ली के लिए है और ये आप देख सकते हो 6E542-1310 1:10 की फ़्लाइट है तिरुचिरापल्ली के लिए एंड इट्स ऑन टाइम। और ये लेंस कार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो पंजाब ग्रिल और ये हल्दीराम का काउंटर। इस तरफ वाओ, यहाँ पे एक लाइव कुनाफा काउंटर है। ये गांव में बकलावा देख सकते हो आप।
could you tell me what are these? These are pista nest. Pista nest. Okay. How much is this for? That's for 1800. How much? 1800. Okay. और ये 1800 का है पूरा पैक. थैंक यू. ये ड्राई फ्रूट बकलावा देख सकते हो आप. यहाँ पे थियो ब्रोमा का काउंटर है. पेस्ट्रीज देख सकते हो आप. कपकेक्स, हेजलनट चॉकलेट कपकेक, ये रेड वेलवेट. मैक्रून्स भी है. मैक्रून्स का गिफ्ट बॉक्स भी है यहाँ पे. और यहाँ पे भी काफ़ी सारी वैरायटीज है. वाओ, इट्स सो टेम्प्टिंग. यहाँ पे ये क्रोजॉन्स. I've got already for you. और वेज में भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे. और ये चिकन एंड चीज पफ. सो यहाँ पे आप थियो ब्रोमा के पेस्ट्रीज और केक्स और काफी सारे ऑप्शंस देख सकते हो. ये सैंडविचेस हैं. ये स्पिनच कॉर्न एंड चीज सैंडविच. और ये कुछ पनीर जंगली रोल, चिकन हैम एंड चीज सैंडविच. और यहाँ पे ये सारे क्रोजॉन्स, चिकन एंड चीज बटर पफ. नॉनवेज और वेज के लिए काफ़ी सारी वैरायटीज मिल जाएंगी आपको. गेट नंबर 86 है तो हम यहाँ से जाएंगे अभी. तो इस तरफ आप एयरप्लेन्स देख सकते हो. ये मेरे सामने यहाँ पे विस्तारा की प्लेन है. ये अभी उड़ान भरने वाली है. सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो ये डस्टबिन दिया है ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के लिए. ये सूखा कचरा जो है आप इसमें डाल सकते हो. दिस इज़ फॉर ड्राई वेस्ट. और जो भी गीला ओला कचरा होता है वो आप इसमें डाल सकते हो. तो बहुत ही अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट करके ये डस्टबिन यहाँ पे है ताकि आसानी से समझ में आ सके. रिलैक्स एंड गो. तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो हॉट रिलैक्सिंग थेरेपी. ये हेड मसाज, नेक एंड शोल्डर, बैक मसाज, हिप एंड थाई मसाज, फुट एंड काव्स मसाज, ये मसाज के लिए है. और अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है मडगांव का, तो वहाँ पे स्टेशन पर भी इसी तरह का फुट मसाज वगैरह था. उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, या तो आप प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हो. प्राइजेस आप देख सकते हो यहाँ पे. यस मैम, फोटो खींच रही हो? नो, आई एम जस्ट टेकिंग अ वीडियो फॉर माय चैनल. यूट्यूब पे बना रहे हो? या, यूट्यूब. इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे एक वर्क स्टेशन दिया गया है. यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स है, जैसे आप देख सकते हो. यहाँ पे ये लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे चार्जिंग पर लगा सकते हो और आसानी से अपना काम कर सकते हो. ये है गेट नंबर 86 और ये है हमारी फ्लाइट 6E542 110 को आने वाली है और हम यहाँ से बोर्ड करेंगे.
सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी डिले चल रही है और ये रिवाइज डिपार्चर टाइम यहाँ पे 1:25 दिखा रहा है। ओरिजिनली 1:10 की हमारी फ़्लाइट थी तो हमारा डिपार्चर टाइम 1:25 का है। तो अब बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी प्लेन है इंडिगो की। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में 3 सीट्स हैं और राइट साइड में भी 3 सीट्स होते हैं। तो यहाँ ऊपर की तरफ आप जो भी अपना हैंड लगेज है वो रख सकते हो। और ये हमारी सीट है। और बेटी खोलने के लिए फ्लैग को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की बेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैन। यहाँ पे जो ये ट्रे है इस ट्रे को आप ओपन कर सकते हो और इस पर अपने छोटे बड़े मील्स एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको गर्मी या ठंडी लग रही है तो इस ब्लोअर को आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ट्रैफिक कंट्रोल ATC का टावर आप देख सकते हो।
डिफरेंस प्लेन के टॉयलेट्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेस्ट बिन और ये नो सिगरेट डिस्पोजल यहाँ पे दिया गया है. टॉयलेट यूज करने के बाद आप ये फ्लश कर सकते हो. यहाँ पे फ्लश का साइन दिया है और इस तरफ एयर सिंक बैग्स और ये टिश्यूज और ये छोटा सा बेसिन है. यहाँ पे ये हैंड वॉश अपने हाथ धो सकते हो. अगर आपको बच्चे का डायपर बदलना है तो यहाँ पे ये ट्रे है, इसे आप लिफ्ट करोगे तो ये सीट ओपन हो जाती है. तो यहाँ पे आप बच्चे को रख के डायपर चेंज कर सकते हो. आप जैसे ही टॉयलेट में अंदर आते हो आप देख सकते हो ये जो है नॉब ये इस तरफ है, मतलब ये बंद है. तो अंदर आते ही आपको ये अभी खुल गया है, अंदर आते ही आपको इसे लॉक करना है ऐसे. अभी स्मोकिंग अलाउड नहीं है तो आप देख सकते हो नो स्मोकिंग का बोर्ड लिखा है और ये डोर लॉक करने के लिए है और इसे ओपन करने के लिए ये ओपन हो गया. Thank you.
तो ये थी रुचिलापल्ली का एयरपोर्ट है और ये बेल्ट नंबर वन है। तो हमारा बैगेज आ गया है, वो रहा येलो में। तो ये तिरुचिरापल्ली का एयरपोर्ट है। तो गाइज ये एयरपोर्ट के बाहर का व्यू है और ये है तिरुचिरापल्ली का एयरपोर्ट। और हमारा तिरंगा आप देख सकते हो कितने शान से लहरा रहा है। Thank you.